भारतीय सनातन परंपरा हर आकृति में प्रकृति और प्रकृति में परमेश्वर देखती आई है। निराकार को साकार देखने की यही चाहत जब इबादत बनी तो पूजा के लिए मंदिर बने, शिवालय बने। उत्तर भारत में भी काशी, मथुरा, अयोध्या ही नहीं, अवध की भी सांस्कृतिक परंपरा, तहजीबी रवायत में इन मंदिरों का बहुत खास स्थान है, जिनसे जनमानस जीवन के प्रति आध्यात्मिकता ही नहीं, उल्लास, आशा, विश्वास, सामाजिक सौहार्द और सामुदायिकता का अनुभव करते हैं। आइए आज हम अपनी लखनऊ की फेमस फाइव सीरीज में शहर के पांच मशहूर मंदिरों की बातें करते हैं। चौक लखनऊ की तंग गलियों से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ते हुए जब बड़ी काली जी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही आप अजब ही एहसास से भर उठते हैं। है तो ये बड़ी काली माता का मंदिर, पर ये अपने आप में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर देवी माता की माँ लक्ष्मी और नारायण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजा होती है, जिसमें भगवान ने धोती और जनेऊ धारण किए हैं और उनके माथे पर बिंदी और श्रृंगार है। लक्ष्मी नारायण की अष्ट धातु की इस प्राचीन मूर्ति के दर्शन वर्ष में केवल चार दिन, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन ही भक्त कर सकते हैं, जब ये गर्भगृह से बाहर निकलती है। काली माता के स्थान पर लक्ष्मी नारायण की पूजा के पीछे मान्यता ये है कि आकृताओं से बचने के लिए माँ काली की मूर्ति को मंदिर के पुजारी ने एक कुएं में डाल दिया था ताकि मूर्ति खंडित न हो। परंतु कुछ समय बाद जब उन्हीं पुजारी के सपने में आया कि मूर्ति निकाली जाए तो मूर्ति विष्णु लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हुई। तब से उसी मूर्ति की पूजा अर्चना होने लगी। नवरात्रि में तो यहाँ दूर दूर के दर्शनार्थियों के कारण बहुत भीड़ तो होती ही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 40 दिन आकर माता जी के दर्शन करते हैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दुख ऐसा, संताप ऐसा, तो ऐसे में जहाँ मन को शांति मिल सके वो स्थान तो सचमुच मन कामेश्वर मंदिर कहलाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में माता सीता को श्री राम की आज्ञा से वन छोड़कर लक्ष्मण जी जब लौट रहे थे तो उनका मन दुख और निराशा से भरा हुआ था। ऐसे में उन्हें गोमती नदी के तट पर शिवलिंग की स्थापना और आराधना कर असीम शांति और दिव्य अनुभूति हुई। इसी स्थान पर आज रामायण काल के समय पर बना डालीगंज का मन कामेश्वर मंदिर अत्यंत सिद्ध माना जाता है। मंदिर में मुख्य शिवालय के 3.5 फीट के अर्घ्य के अंदर लगभग 1.5 फीट ऊंचा रजत आच्छादित शिवलिंग है। यहाँ सावन मास में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिनका विश्वास है कि सच्चे मन से की गई कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती और बाबा भोलेनाथ उनकी हर मुराद पूर्ण करते हैं। लोग यहाँ आकर मनचाहे विवाह और संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं और उसे पूरा होने पर बाबा का बेलपत्र, गंगा जल और दूध आदि से श्रृंगार करते हैं। कोनेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये प्रसिद्ध मंदिर चौक में स्थित है। यहाँ भगवान शिव को कोनेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र तीर्थ के दर्शन पर नियमित जलाभिषेक करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया, कौंडिल्य ऋषि का आश्रम था और पास में ही गोमती नदी बहती थी। उन्होंने यहाँ पर कोनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि वर्षों पहले जब कोनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था तब भक्तों ने शिवलिंग को हटाकर मंदिर के बीच में स्थापित करना चाहा, लेकिन हर बार शिवलिंग उसी कोने में पहुंच जाता था। उसके बाद तय ये हुआ कि शिवलिंग कोने में ही रहेगा। तब से लेकर आज तक शिवलिंग
उसी विशेष कोने में स्थित है। हनुमान धाम। इस मंदिर की स्थापना गुरु नरसिंह जी ने करवाई थी। बेगम हजरत महल पार्क से मोती महल लॉन की तरफ आते वक्त बीच में आता है हनुमान धाम मंदिर। कुछ सीढ़ियां, छोटा सा दरवाजा आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, पर अंदर जाने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे। एक बात और है कि यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर आपको 1.25 लाख हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। इस मंदिर की दीवारें, छत को 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियों से सजाया गया है। इस मंदिर के बीच में हनुमान जी की 3 टन की सफेद संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह में दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति है और वो मूर्ति लगभग 400 वर्ष पुरानी है। ये मंदिर अपनी हरियाली, सुकून और सुंदर दृश्य से अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। हारे का सहारा बाबा श्याम मंदिर। लखनऊ का खाटू श्याम मंदिर लोगों के लिए वो स्थान है जहां वो अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं और बाबा भी उनकी झोली को कभी खाली नहीं रखते। और इसी के लिए एक कहावत यहाँ पे मशहूर है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये मंदिर बीरबल सहनी मार्ग में स्थापित है। यहाँ के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन करने आते हैं, उनकी सीधी हाजिरी राजस्थान के सीकर गांव में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में भी लग जाती है। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 2008 में हुआ था। यहाँ पर कृष्ण राधा की मूर्ति, बाबा की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। बाहर की ओर शिव परिवार भी स्थापित है। यहाँ हर महीने एकादशी को दिव्य भव्य कार्यक्रम होता है और उस दिन काफ़ी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है।